हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिली गार्लिक नूडल्स। नूडल्स की तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक नूडल्स। इसके लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चिल्ली, गार्लिक एंड नूडल्स। तो यहाँ पे हमने रेड चिलीज़ ली हैं, ड्राइड रेड चिलीज़ ली हैं। इनको कट कर लेंगे और इनके जो बीज होते हैं वो निकाल दें, या फिर इसी तरह से आप इन्हें हॉट वाटर में कम से कम 10 से 20 मिनट तक के भीगने के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। तो 10 से 20 मिनट इसे हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम कट कर लेंगे अनियन। तो इस जो नूडल्स ये जो बना रहे हैं हम लोग चिली गार्लिक नूडल्स, तो इसमें बिल्कुल भी कोई वेजीज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप डालना चाहें तो आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी चिली की वेराइटी है, लेकिन हम इसमें कोई भी वेजीज नहीं ऐड कर सकते। तो बस हमने यहाँ पर अनियन कट कर लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया गार्लिक। तो गार्लिक को बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। जो हमने चिलीज़ भिगा के रखा था वो भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं, तो ये सारी चिलीज़ जो निकाल लेंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करना है। अगर आप चाहें तो आप चिल्ली ऑयल भी बना सकते हैं या इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे और ये हमारी वो चटनी होगी जो चिली गार्लिक नूडल्स में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाएगी। तो बस ये देखिए, इसका पेस्ट हो गया रेडी और उसके बाद टाइम है नूडल्स बॉयल करने का। तो हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। नूडल्स बॉयल करने के लिए सबसे पहले आपको पानी को बॉयल करने के लिए रखना है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप जब भी कुछ भी बॉयल करने का रखें तो उसमें नमक ज़रूर डालें। और आपको पानी ज़्यादा नहीं लेना है, पानी कम ही लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो आपके नूडल्स ज़्यादा मतलब स्टिकी हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लीजिए, पानी कम ही लीजिए और नूडल्स को बॉयल होने दीजिए। नूडल्स को ओवर कुक भी नहीं करना है, क्योंकि अगर नूडल्स ओवर कुक हो जाएंगे तो बाद में अच्छे नहीं बनेंगे। तो नूडल्स को ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। अगर आपको कम लग रहे हैं बॉयल, तो आप बाद में पानी डाल के इनको थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे तो आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो बस इसे निकाल लेना है, छान लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देना है। तो अब यहाँ पे हम नूडल्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाला है 2-3 टीस्पून ऑयल और उसमें जो हमने गार्लिक चॉप किए थे वो डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, जो हमारे पास अनियन है चॉप की हुई, वो अनियन डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे प्याज को फ्राई, बस सॉटे कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो 2-3 टीस्पून डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं वेजिटेबल सॉस। तो अगर आप चाहें तो टोमेटो सॉस या जो भी सॉस डालना चाहें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला है 2-3 टीस्पून वेजिटेबल सॉस, उसके बाद यहाँ पे हम डाला है 2 टीस्पून विनेगर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सॉस हमारी रेडी है। अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। तो नूडल्स को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक इसे और कुक करेंगे। और जब तक हम नूडल्स को मिक्स कर रहे हैं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। तो ये हो गए हैं नूडल्स मिक्स। एंड लास्ट जो हम इसमें डालेंगे वो है अपनी फेवरेट धनिया। धनिया के बगैर तो अधूरा है, क्योंकि गार्निशिंग का अगर पहला आता है गार्निशिंग में कुछ भी तो धनिया ही है। तो धनिया डाल दिया और ये नूडल्स हमारे हो गए रेडी, अब इन्हें सर्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को चिली गार्लिक का टेस्ट पसंद है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो आपको ये नूडल्स ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो जल्दी से जाइए और फटाफट ऐसे नूडल्स बनाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय।